मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का काम चल रहा है। निर्माण कार्य से अब पब्लिक को काफी परेशानी होने लगी है। गुरुवार की सुबह हुई थोड़ी सी बारिश से शहर का सूरत हाल बिगड़ गया। सिविल कोर्ट परिसर में सीवरेज का काम पूरा हो गया है, लेकिन पहली बरसात में ही जिला जज से सीजीएम कोर्ट तक 50 मीटर की दूरी में बनाए गए 5 सीवरेज चैम्बर के धंसने से कई गाड़ियां उसमें फंस गईं। इसमें पश्चिमी जिला जज की गाड़ी भी शामिल रही। वकीलों ने मिलकर उसे निकाला। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य और जगह जगह गड्ढे करके छोड़ दिए जाने से मुजफ्फरपुर के वकील तो निर्माण एजेंसी पर फायर हैं। इनके मुताबिक आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम को स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की जल्द से जल्द समीक्षा करनी चाहिए। ये मैंने आज से 15 दिन पहले स्मार्ट सिटी की विषय में नगर विकास केंद्रीय नगर विकास मंत्री, बिहार के नगर विकास मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के अलावा इस शहर के जितने भी कमिश्नर, डीएम, नगर आयुक्त हैं और प्रबंधक सिटी मैनेजर है, सबको एक आवेदन दे दिया कि जो स्मार्ट सिटी का काम क्या गुणवत्ता है वो एकदम 3 नंबर है। और मैंने कहा था कि इसको शहर के लोग भोगेंगे। आज आप स्थिति देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में 50 फीट की दूरी पर लगभग 3 जगह 5 फीट 6 फीट धस गया है, जो सीवरेज सिस्टम का काम कराया गया। इससे पहले पुलिस की गाड़ी फंस गई थी, जिसको पुलिस लोग आके निकाल के ले गए। कई मोटरसाइकिल फंसे हैं। अभी पश्चिमी जज साहब का गाड़ी फंसा हुआ है, जो आप देख रहे हैं। ये इस पर संज्ञान हाई कोर्ट को भी लेना चाहिए कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का काम एक देहाती कहावत है कि थूक से सतुआ सानने वाला, ये वही थूक से सतुआ साटने वाला काम चल रहा है। पूरे शहर की जो करबला पर पोखर में काम चल रहा है उसकी गुणवत्ता 3 नंबर, कलेक्टर साहब के सामने धस रहा है, जज साहब के आवास के सामने धस रहा है, सिविल कोर्ट में धस रहा है, पूरे शहर की स्थिति। इससे अच्छा तो था कि हम लोग स्मार्ट सिटी के बजाय सामान्य सिटी में थे। अभी स्मार्ट सिटी के कारण काफी कष्ट है। हम आग्रह करेंगे जज साहब से और हम लोग वकील लोग भी हाई कोर्ट को लिख के देंगे कि इस पर संज्ञान ले। सिविल कोर्ट का जब ही दुर्दशा है, यहाँ आने जाने में ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। सिविल कोर्ट के जज साहब को, माननीय उच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय के जो निरीक्षक जज आए थे, उन्होंने इस पर संज्ञान न लेकर गेट बंद कर दिया, जिससे और कठिन हो रही है। यहाँ जो मुवक्किल ही नहीं आएगा, कोर्ट का कार्रवाई क्या हो पाएगा? जो गेट था, मेन गेट था, जिससे यात्रियों को आने जाने में, स्टाफ को आने जाने में, वकील को आने जाने में सुविधा हो रही थी, उसको भी बंद कर दिया। और ये मूलभूत सुविधाएं, आने जाने का सड़क टूट रहा है, किसी गाड़ी फंस रही है, कैसे लोग आएगा, कैसे वकील?